नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी गुंजा टेक्निकल। दोस्तों, यदि आप कोरोना वायरस का टीका लगवा चुके हैं और आप कोरोना वायरस का जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताएंगे जिससे आप अपना जो कोरोना वायरस का जो सर्टिफिकेट है उसको बड़े आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस का जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड करने के लिए हमें अपने ब्राउजर पर आना है, और ब्राउजर पर आने के बाद यहाँ टाइप करेंगे कोविन और उसको सर्च करेंगे। दोस्तों, जैसे ही कोविन लिख के सर्च करेंगे, जो पहला लिंक आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसके अंदर ये जो तीन डॉट दिखाई दे रहा है ये, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों, जो पहला लिंक दिखाई दे रहा है वैक्सीनेशन सर्विस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए लास्ट में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड सर्टिफिकेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह का जो पेज ओपन होगा, इसके अंदर दोस्तों हम अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम ओटीपी एंटर करेंगे, हमारा जो कोविन सर्टिफिकेट है ना, कोरोना वायरस का जो सर्टिफिकेट, वो डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। दोस्तों, मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ ओटीपी एंटर करेंगे। दोस्तों, ओटीपी एंटर करने के बाद ये जो वेरीफाई और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा और हमारा जो कोविड 19 का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ शो करेगा। तो जो सर्टिफिकेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह हम बड़े आसानी से अपना जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।